महिला दिवस के मौके पर फर्स्ट इंडिया परिवार ने अपनी महिला सदस्यों के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया। महिलाओं को फूलों के जरिए सम्मान देकर महिला दिवस की शुभकामनाएं देने का ये नजारा है फर्स्ट इंडिया के ऑफिस का, जहां महिला दिवस के मौके पर फर्स्ट इंडिया परिवार की महिला सदस्यों के लिए रोजमर्रा के काम से दूसरी तरफ सेलिब्रेशन का आयोजन हुआ। इन महिला सदस्यों के परिजनों के बीच फर्स्ट इंडिया ने जाकर बात की और टटोलने की कोशिश की कि आखिर एक महिला की जरूरत और अहमियत कितनी है। परिजनों से की गई बातचीत को कार्यक्रम में भी दिखाया गया। ऐसे में कुछ तो अपने परिवार के इस प्यार को देखकर भावुक भी हो गए। और इस कार्यक्रम को देखकर सभी का मानना तो यही था कि महिला दिवस पर ऐसा कोई कार्यक्रम अब तक किसी भी संस्थान में नहीं हुआ। मैसेज जाता है क्योंकि मैं बहुत लंबे समय से इस फील्ड में हूँ और जहाँ पहले थी वहाँ कभी ऐसा कुछ देखा नहीं, यहाँ देखा और मैं काफ़ी भावुक हो गई थी जब मैं वो सब कुछ देख रही थी जो किया गया। फर्स्ट इंडिया ने महिला दिवस के मौके पर ये पहल की तो सबका कहना यही था कि ऐसी पहल दूसरे संस्थानों को भी करनी चाहिए। हमने आज ऑफिस में वुमेन्स डे का सेलिब्रेशन ऑर्गेनाइज करा। सारी वुमेन्स की फैमिली से मैसेजेस जो हमने इकट्ठे करे वो उनको दिखाए, कुछ गेम्स खिलाए। आई थिंक सारे ऑर्गेनाइजेशंस को इस तरह का सेलिब्रेशन करना चाहिए। इट्स अ स्पिरिट ऑफ सेलिब्रेशन ऑफ वुमेनहुड एंड शुड बी डन एवरीवेयर। इस दौरान महिलाओं के लिए गेम्स का आयोजन भी हुआ जिसमें सभी महिला सदस्यों ने हिस्सा लेकर महिला दिवस को सेलिब्रेट किया। रविकांत शर्मा के साथ दीपक व्यास, फर्स्ट इंडिया, जयपुर।